तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 29 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन बच्चों ये जो फंक्शन है ये पावर में गिवन है, तो पावर में गिवन है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना काम करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए टू द बेस ई। जैसे बच्चों लॉग लेंगे टू द बेस ई, जिसको हम एल एन कहते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक फंक्शन बन के क्रिएट हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें लॉग लेने पर। उसके बाद बच्चों जैसे आप जनरल डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करते 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 आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स सेपरेट होने लगेंगे। तो ये बच्चों सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। यहां से बच्चों आपको फिर यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको सारे टर्म्स समझ में आएंगे। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट करिए, और कलेक्ट करने पर जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो बच्चों वो वन आ जाएगा। वन आने का मतलब ये है कि नहीं वो पी पे डिपेंड करता है, नहीं वो क्यू पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन आपको प्रॉपर आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे, इसको यूज करिए और अपने क्वेश्चन को जल्दी से फिनिश कर दीजिए। थैंक यू।